तो हेलो गाइस, माय नेम इज ईशान शेख और आप देख रहे हैं ZS एक्सपेरिमेंट। तो यार आज जो है वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है यार। तो इस वीडियो के लिए एक हमको एसिड की जरूरत पड़ेगी और इस डब्बे की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे हमारे पास है कुछ शैम्पू के पाउच, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है डिक्लॉकर, बाथरूम क्लीनर। तो भाई साहब, आज हम लोग वीडियो में बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एलिफेंट टूथपेस्ट यार बनाने की कोशिश करते हैं। क्या यार इस एसिड से एलिफेंट टूथपेस्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है, जैसा भी है वो आप लोगों के सामने है यार। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना यार और चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को इसको खोलना पड़ेगा भाई साहब, थोड़ा से सावधान होके खोलना पड़ेगा इसको। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं और अब डालेंगे इस डब्बे के अंदर। तो थोड़ा से पास से आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। तो भैया इसमें जो है एसिड जो चली गई है, अब हम लोग इस डब्बे को नीचे पर रख देते हैं और दूसरी एसिड हम लोग निकाल कर वैसे ही इसमें डाल देते हैं। और हमारे पास है कुछ शैम्पू के पाउच, तो एक एक करके हम शैम्पू के पाउच को इसमें डालते रहेंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, एक पाउच हो गया, ये दो पाउच हो गया और ऐसे ऐसे करके सभी पाउच को हम लोग इसमें डालेंगे और इसमें जितनी तेजी हो सके हम लोग डालें और तो टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी और करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास सातवां पाउच चला गया है, ये जो पाउच है, और इसमें अब डालेंगे हम लोग ये पाउच। तो देखते हैं यार क्या होता है इसमें। तो सभी पाउच को हम लोग इसमें डाल दिए हैं, अब देर नहीं करते हैं, अब इसको भी हम लोग दसे पाउच को ये जो है डाल देते हैं। अब हमारे पास है थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करते हैं, इसको मिलाते हैं। तो सभी को मिला दिए हम लोग। अब ये हमारे पास है डी क्लॉक क्लीनर, इसको भी हम लोग फाड़ कर पहले से इसको रेडी कर लेंगे इसमें डालने के लिए। तो भैया ये हो गया, थोड़ा सा और इसको भी फाड़ लेते हैं। तो भाई साहब, इसमें से जो है बहुत बुरी स्मेल आ रही है, ओहो बहुत ही खतरनाक, जो एसिड की जो जार है वो नाक तक बहुत आसानी से आ रही है। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे हटेंगे और इसमें सारी की सारी ये जो है हम लोग डालेंगे। 1 2 3 तो भाई साहब आप देख सकते हैं जो रिएक्शन हुआ है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं डब्बे पूरी तरीके से पिघल गया है। तो यार इसमें से जो गैस निकल रही है
वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैस है। अगर वो अच्छे तरीके से नाक में चली जाए तो आपका दम भी घुट सकता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये डब्बे जो है एकदम पूरी तरीके से पिघल गया है और काफ़ी ज़्यादा इसमें हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये देखिए क्या हाल हुआ इस डब्बे का। तो फ्रेंड इसमें भाप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भाप इसमें से निकल रही है। और ये जो एसिड है काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, जो कि इस डब्बे का बहुत ही बुरा हाल कर दिया है यार, आप लोगों के सामने है। तो एसिड, ये जो इसका टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है फ्रेंड्स, जो कि लगभग 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर इसका हो गया है, जो कि डब्बे की आप बुरी दशा देख सकते हैं। तो यार ये जो कुछ इस तरीके से डब्बे का हाल हुआ है, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर जो है बहुत ही बुरा रिएक्शन हुआ है, जो कि हम लोग दो चीज़ का मिश्रण किए हुए हैं, जो है कि एक एसिड है और डी क्लॉक एक एसिड पाउच की है, और ये हाल हो गया है इस डब्बे का। तो अब हम लोग इस काफ़ी ज़्यादा यार ये डब्बा नीचे से आप देख सकते हैं क्या बुरी दशा हुई इस डब्बे की, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इसमें है। तो इसको हम लोग यार थोड़ा सा यार नीचे से जल रहा है, इसको हम लोग गिराते हैं थोड़ा ज़मीन पर। तो यार ये देखिए भाई साहब, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। ये देखिए भाई कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं ज़मीन के अंदर से, आप देख सकते हैं बहुत ही बुरा हाल हुआ है इस डब्बे का। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को यार देखकर बहुत ही मज़ा आई होगी कि अगर हम लोग किसी एसिड के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं या उसमें हम लोग कुछ ऐसे मिलाते हैं तो ये रिएक्शन होता है। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो यार ज़रूर बनता है। फिर से हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं फ्रेंड्स। We'll be right back.